से है पटरी से उतरी है मालगाड़ी। सिमरोज से मंडीदीप के बीच मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतर गए। भोपाल से इटारसी की ओर जा रही थी मालगाड़ी, डेरेल की सूचना पर भोपाल डिवीजन रवाना हुई। रेलवे की टीम भोपाल से इटारसी आने जाने वाली कुछ ट्रेनें इस वजह से प्रभावित हो सकती हैं। पहियों को पटरी पर लाने के लिए काम शुरू किया गया है। भोपाल के सिमरोज रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से पटरी से मालगाड़ी जो है वो उतर गई है। मालगाड़ी के 3 वैगन जो है वो उतर गए। सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ। आकाश बताएं क्या है अपडेट। देखिए, भोपाल से इटारसी की तरफ जाने वाली ट्रेन है जिसके डिरेल होने की सूचना मिली है। मिसरोद से मंडीदीप के बीच का ये रास्ता है जहां पर मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतरे हैं। गनीमत की बात रही कि सवारी गाड़ी नहीं थी, नहीं बड़ा हादसा हो सकता था और हादसे के शिकार भी बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं। लेकिन मालगाड़ी की इस वजह किसी तरीके की अब तक जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि डीरेल की सूचना के बाद भोपाल डिवीजन से रेलवे के अफसरों की एक टीम रवाना हो गई है। पूरी घटना की जांच भी की जाएगी कि आखिर मालगाड़ी डीरेल कैसे हुई, क्योंकि अभी तक कारण पता नहीं चला है। और इटारसी से आने वाली, इसके साथ ही इटारसी की ओर जाने वाली, क्योंकि ये एक बड़ा रूट है जो सीधा महाराष्ट्र की तरफ जाता है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो गाड़ियां इसी रूट से गुजरती हैं तो इन गाड़ियों का समय जो है वो बदल सकता है, कुछ गाड़ियां प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन रेल प्रशासन का दावा है कि तीसरी लाइन से हम दूसरी गाड़ियों को गुजरने के लिए ट्रैक को तैयार करेंगे, इसलिए तीसरी लाइन से अन्य गाड़ियां गुजर सकेंगे जिससे कोई किसी तरीके से जो रेल यातायात है वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये रेलवे के अफसरों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर मालगाड़ी की 3 जो बोगियां हैं, 3 वैगन हैं, वो डीरेल कैसे हुई है। निश्चित तौर पर ये प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा वक्त है। आकाश आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है भोपाल से इटारसी जाने वाली कुछ ट्रेनों के बारे में? कहा जा रहा है कि ये प्रभावित हो सकती हैं, जाहिर सी बात है ऐसी घटना है तो। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि रेलवे के अफसर ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी लाइन से गाड़ियों को निकालने की व्यवस्था की गई है, जो ट्रैक तीसरी ट्रैक है उससे अन्य गाड़ियों को गुजारा जाएगा। अभी तक रेलवे की ओर से ऐसी कोई सूची जारी नहीं की गई जिसमें रेल यातायात है, रेल परिवहन है, उसके प्रभावित होने की जानकारी दी गई हो। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक सामान्य तरीके से यातायात चल रहा है। अगर ये डीरेल की स्थिति काफी देर तक बनी रही, पटरियों पर ट्रैक पर मालगाड़ी को नहीं लाया जा सका, तो आने वाले समय में देखना होगा कि निश्चित तौर पर दूसरे रूट से लेकर कई जानकारियां भी आएंगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।